कुरुक्षेत्र एनआईटी के हॉस्टल में रहने वाले बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र आकाश नासिर ने अलाव जलाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि कमरा गैस चैम्बर में तब्दील हो गया था। सोनीपत के शास्त्री नगर निवासी फाइनल ईयर का छात्र आकाश घर से 2 दिन पहले एनआईटी आया था। हालांकि अभी सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, अलबत्ता मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। एनआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का छात्र आकाश एनआईटी के हॉस्टल नंबर 10 के कमरा नंबर 263 में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक सोनीपत के शास्त्री नगर निवासी फाइनल ईयर एनआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का छात्र आकाश नासिक ने अपने कमरे में अलाव जलाया था और पूरे कमरे को टेप लगाकर भी बंद किया हुआ था। कमरा गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर क्या बताएंगे, एनआईटी का क्या मामला है? ये कल हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी लड़के ने कमरा बंद है और सुसाइड कर लिया है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जैसे उन्होंने ग्लास वगैरह तोड़ के शीशा तोड़ के दरवाजा खोल रखा था, उसके बाद हमने उसका कमरे का निरीक्षण किया। उनके घर वाले आ गए थे, उनको बुला के और उसका पोस्टमार्टम करा के अभी उनको बॉडी दे दी गई है। लेकिन वो कमरा थोड़ा टाइट था, जैसे टेपिंग लगी हुई थी सारे कमरे में और अंदर आग वगैरह जली हुई थी। सुबह जिस समय 11:30 बजे गए हम, उस टाइम भी दुर्गंध थी अंदर, तो हो सकता है अभी उसकी उसी से डेथ हुई हो। लेकिन वो पोस्टमार्टम जैसे रिपोर्ट आ जाएगी वो करा के हमने पोस्टमार्टम बॉडी दे दी है। जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे कार्रवाई की है और हम हर एंगल से उसको देखा। तो कोई सुसाइड नोट वगैरह भी इसके पास से बरामद हुआ, कुछ लिखा है? हाँ, एक लिखा है नोट उसने, लेकिन उसमें उसने कुछ ऐसा नहीं किसी को वो नहीं कहा उसका क्या मतलब इन बातों के लिए, मतलब सभी जिम्मेदार अगर माने तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। पुलिस बाकी के दोस्तों से भी पूछताछ करेगी? हाँ, उनसे भी पूछताछ करेंगे, हर एंगल से जांच करेंगे। कहाँ का लड़का है बताया गया, नाम क्या है इसका? ये सोनीपत का है, आकाश नसीर। आकाश नसीर इसका नाम है, शास्त्री कॉलोनी पढ़ते हैं सोनीपत में और इलेक्ट्रॉनिक फाइनल ईयर था इसका। परिजनों को बॉडी सौंप दी गई? हाँ, बॉडी उनको दे दी गई पोस्टमार्टम के बाद। देगी